आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस क्षिप्रा सृष्टि में। पहली बार रामलीला मंचन जो होने जा रहा है उसमें आप सबका स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम का जयकारा लग चुका है और बजरंग बली के आशीर्वाद से पीछे मंच भी तैयार है और पहली झांकी भी तैयार है। लेकिन उससे पहले श्री राम वंदना जो हमारे बच्चे अभी मंच पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि आंखें खुलते ही श्री राम का स्वरूप आपके सामने होगा और उनकी वंदना की शुरुआत हो जाएगी। और हमने प्रयास ये पूरा किया है कि हर रामलीला में मंचन में जो पर्दे उठने का रिवाज था, पर्दा उठना और पर्दा गिरना, वो कायम रहना चाहिए। तो इसलिए आपके आंखों के सामने आज ये पर्दा जरूर ना जाने कितनी बार उठेगा और कितनी बार गिरेगा, और हर बार श्री राम के मंचन का, उनके जीवन के अध्याय का एक नया स्वरूप आपको अपने सामने पर्दे के पीछे देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से जोर से जय श्री राम। आधारित है। जब जब यह संतुलन बिगड़ता है और पापी शक्तियां बढ़ जाती हैं, तब तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लिया है। ऐसा ही एक समय था जब लंकापति रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कांप गई थी, तब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। उस समय अयोध्या पर रघुवंश की परंपरा की कीर्तिमान कर रहे थे महाराज दशरथ। श्री आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्यानाथ, तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारी विनम्रता देखकर हम प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है कि तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूरे होंगे। धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है।
आज्ञा कीजिए मुनिंद्र, किस अभिप्राय से आपका यहाँ पधारना हुआ है? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। धन्य हो रघुकुल शिरोमणि, इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। अच्छे से जाएंगे ना ये, फिर इनको लेफ्ट ले लो। राम इधर से आगे आ किसके हैं? ये पद चिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं। ताड़का? के समय में इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, फिर वे दुर्जय हो जाते हैं। यह हमारा आदेश है, इसका वध करो। मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से इस दुष्ट की जीवन लीला समाप्त करता हूं। कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में आप सभी का स्वागत करता हूं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।
राजा नरेश, राजा शिरध्वज जनक तथा महारानी सुनैना की पुत्री राजकुमारी सीता पधार रही है। मैं महर्षि यज्ञवल्क्य और सभी देवताओं, पूर्वजों और ऋषिगणों के आशीर्वाद से इस स्वयंवर को आरंभ करने की घोषणा करता हूं। आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? को जान कर भी अनजान बने रहते हैं। जाइए राजन, जाइए। प्रतियोगिता का आरंभ किया है आपने और अंत हम करेंगे। परंतु इस दिव्य धनुष को उठाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं। क्या हुआ महाराज? आप तो धनुष को स्पर्श करने की विचार से ही भयभीत हो गए। धरोहर के रूप में रखा गया यह शिव धनुष, परंतु
अब इसको विदा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने साथ लंका ले जाऊंगा। वैसे भगवान शिव का धनुष भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के पास ही रहना शोभा देता है। पता नहीं भगवान शिव ने मुझे क्यों नहीं सौंपा इसे। और आज मैं उनके उस भूल को सुधार लूंगा। मुझे आवश्यकता नहीं है इस धनुष की। कर सकता है मुझे इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं, परंतु मिथिला और अयोध्या का साथ आज का नहीं है राम। जब जब मिथिला पर कोई विपत्ति आई है अयोध्या ने आगे बढ़कर साथ दिया, तो मैं तुम्हें इस स्वयंवर का आमंत्रण देना कैसे भूल सकता हूं। मैंने सबसे पहले अयोध्या में निमंत्रण भिजवाया था, परंतु महाराज दशरथ का संदेश आया कि उनके ज्येष्ठ पुत्र महर्षि विश्वामित्र के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए वनवास में हैं और वो स्वयंवर में भाग नहीं ले पाएंगे। किंतु विधि का विधान तो देखो राम, कैसा सुंदर संयोग है ये कि तुम यहाँ उपस्थित हो। मेरे पिताश्री की अनुमति के बिना मेरे लिए विधि का विधान भी अमान्य है राजन। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे पिताश्री को इस स्वयंवर का निमंत्रण दिया, किंतु विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें केवल दो लोग नहीं अभी तो दो परिवार एक सूत्र में बनते हैं। और इस सूत्र की अखंडता के लिए हमें हमारे माता पिता का आशीर्वाद और उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। अब पिता का दायित्व मेरा हुआ। गुरु और आचार्य पिता के स्थान पर ही होते हैं। मैं महाराज दशरथ की ओर से तुम्हें स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति देता हूं।
स्वयंवर में वहां एकत्रित सभी योद्धाओं में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया। राम जानकी एक भय पाणी ग्रहण में दो बंधे मंगल बेला मंगल गान जनक राज करे कन्यादान अद्भुत अपूर्वा दृश्य अभीष्ट सिया छटा रामा सतनिष्ठ दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन संत जानकी जोड़े रघुनंदन। कि उठो सिया सिंगार करो, कि उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। उठो सिया अब सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता ने राम से नाता जोड़ा है। बोल जय श्री राम। सोचता हूं राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति पालूं। अति उत्तम विचार है महाराज, यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और राम इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो निहाल गए हैं। तो क्या हुआ, राम उनका बड़ा भाई है, फिर राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। कल मेरे राम का राज्य अभिषेक है, इस अवसर पे तो सबको अभय है। बोल, निर्भय होकर बोल। ये राज्य अभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास कर दी है। ऐसा मत कहिए पिताजी, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। नहीं, वो जब उस पे जाएगा ना, इतना आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। नहीं, तुम समझ सको राम, तुम तलवार के बल पे कोसल पे शासन करो पुत्र। इक्ष्वाकु वंश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिताजी, राम के जीवन में तो ये संभव नहीं। अयोध्या तुम्हारी है, तोड़ दो मेरा वचन। मेरे पुत्र दिखाते हुए तीनों 10 वर्षों तक दंडक वन में इधर उधर घूमते रहे। अंततः वे महान अगस्त्य मुनि से मिले, जिन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र दिए। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य, जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं इस वन की रानी हूं, शूर्पणखा। आप यहां की रानी हैं? तो आइए मेरी कुटिया में बना लीजिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ, संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देव।
सुंदर मना हूँ। क्या हुआ स्वामी? अच्छा तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम, अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। लक्ष्मण, हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए जा भाग जा, अब तो किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाएगी। देवों ने विद्रोह किया है राक्षस राज, उन्होंने राक्षस प्रतिनिधि की हत्या कर दी है। नष्ट कर दो देवों को, रावण के विरुद्ध जो सर उठे काटता है। आ दो, बच्चा हो या स्त्री, एक एक देव को मार डालो। बैठे रहो विभीषण।
तो मयंक, मैं सबको बता दूं कि ये जो छोटे हनुमान जी हमारे पीछे सब आए हैं, ये जो पूरी वानर सेना खड़ी है, आसान नहीं था उनको संभालना, क्योंकि इस रामलीला के मंचन के लिए जो महाभारत हमने झेली है वो हमारा ही दिल जानता है। यकीन मानिए, हमें उनको ये यकीन दिलाने में कि आप सब एक ही टीम के पार्ट और एक ही सेना, वो हमें 3 दिन लगे, उससे पहले हम आपस में लड़ रहे थे तो हमें उनसे उनकी गदा छीननी पड़ गई, हाथों से नहीं लड़ पाए बेचारे। तो मयंक, इससे पहले वो गदा लेके हम पर प्रहार करें, क्यों ना हम वापस जाएं और पर्दा उठाया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारी नन्नी मुन्नी वानर सेना का। जय श्री राम। लक्ष्मण है प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव, हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है, हम उन्हीं की तलाश में हैं। रावण मुझे 2 महीने बाद मार देगा, तुम जाओ शीघ्र स्वामी को लेकर। आप मेरे साथ चलिए ना माता, मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूँ। नहीं पुत्र, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा। किंतु और इस दुष्ट रावण को भी तो पाठ कराना है। ये मेरा स्मृति चिन्ह स्वामी को देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है माता। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, यदि आपकी आज्ञा हो तो 2-4 फल खा लो। राक्षस राज एक वानर उत्पात मचा रहा है, उसने अशोक वाटिका ध्वस्त कर दी। जाओ उस दुष्ट को जीवित लाना मेरे सामने। सचिव हनुमान आपके पास दशरथ पुत्र श्री राम का संदेश लाया। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। Thank you.
कि सीता हमारे कुल के लिए मृत्यु का संदेश लेकर आई है। श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम है। उनकी शक्तियों के आगे आपके सारे अस्त्रों और शस्त्रों का भंडार भी व्यर्थ है। अपने विनाश से बचिए। सीता माता को आप श्री राम को वापस कर दीजिए। अरे दुष्ट, मेरे टुकड़ों पर पलता है और गुण मेरे दुश्मन के गाता है, जा उन्हीं के पास जा। बिना श्री राम की शरण में गए आपका कल्याण नहीं होगा। दूर हो जाओ मेरे सामने से, अपना मुंह काला कर, चला जा। श्री राम की शरण में जा रहा हूं, अब मुझे दोष मत देना। मुझे रास्ता नहीं देगा, मैं तेरा मान चूर कर दूंगा, मैं तुझे सुखा दूंगा। प्रभु श्री राम का संदेश लाया हूं कि अभी भी समय है, माता सीता को वापस कर दो। तेरा पिता मेरा मित्र था अंगद, मेरे साथ आ जा, तू किष्कंधा का राजा बन सकता है। मुझे अपने परिजन आपसे अधिक प्यारे हैं राक्षस राज, समय नष्ट न करें, सीता माता को लौटा दे। तू जा और बोल अपने राम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है। जंगल के कुछ पशु इकट्ठे करके वो मुझसे मुझसे युद्ध करने चला है। अपनी शक्ति पे इतना घमंड है रावण, यदि इस सभा का कोई भी वीर मेरा पैर उठाकर दिखाए तो जानू। श्री राम के चरण पकड़, तुझे जीवन दान वही देंगे। जय श्री राम। की घोषणा साक्षात श्री राम प्रभु अपने स्वमुख से करेंगे, क्योंकि अगले मंचन में युद्ध की घोषणा होने वाली है जिसमें रावण का वध तो तय है, यह हमें पता है, लेकिन इसमें ऐसी कुछ चीजें अभी होना बाकी है जो हमारे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तालियों के साथ तैयार हैं, क्योंकि पीछे वो बच्चे भी तैयार हैं अपने मंचन के लिए। तो एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, पर्दा उठाया जाए। श्री राम, दंभी रावण युद्ध ही चाहता है। मित्रों,
मैं प्रसन्न हूं कि आप लोग मेरे लिए एकत्रित हुए, लेकिन मेरी सहायता करने में आपके मार्ग में अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं। मैं तो स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, मगर आप बाध्य नहीं हैं। देवी सीता की खोज में आपका सामना महाबलशाली रावण और उसकी सेना से हो। जिसको युद्ध में नहीं जाना हो वो स्वतंत्र, लेकिन मैं दशरथ पुत्र रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय हमारी हो। अत्याचारी राक्षसों को हम पृथ्वी से मिटा देंगे। जिसकी आवाज से समस्त पृथ्वी तहल जाती थी। ये वो आवाज थी जो कुंभकर्ण सोते हुए ले रहा था। और उसे लंकेश्वर का संदेश सुनाओ, आज लंका को कुंभकर्ण की आवश्यकता आन पड़ी है। जाओ। जो आज्ञा महाराज। जिसने युद्ध भूमि में कुंभकर्ण को एक पग भी पीछे हटाया हो। कायरों की भांति कहां भाग रहा है? अनुज लक्ष्मण का वध कर सको। विजयी भव।
बलधारी लक्ष्मण और मेघनाथ का ये संग्राम है कलयंकारी। ये धरणी धर से तावतार वो अद्भुत मायाचारी लक्ष्मण और मेघनाथ का ये संग्राम है कलयंकारी। सूर्योदय से पहले वो औषधि लेकर तुम्हें यहाँ पहुँचना होगा। मैं लौट आऊंगा बैद्यनाथ, आप केवल औषधि की पहचान बताइए और उनके मिलने का विशेष स्थान भी बता दीजिए। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो प्रकाश देती है, उनमें एक दिव्य ज्योति जलती रहती है। वैसे तो वो चार महा औषधियां हैं, परंतु तुम यदि उनमें से मृत संजीवनी नाम की एक औषधि भी ले आओ तो समय रहते हम उसे लक्ष्मण को दे दें, क्योंकि उसमें मृतक को जीवित करने की शक्ति है। प्रभु मैं मृत संजीवनी लेकर आता हूं, आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दें। क्या करूं, इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, कैसे पहचानूं? ऐसे तो रात बीत जाएगी हनुमान, समय नष्ट ना कर और सारे का सारा पर्वत उठाकर दे। सरदार तालियां। औषधि का ज्ञान नहीं था इसलिए औषधि पर्वत ही उठा लाए। अब आप ये देख लीजिए आपको कौन सी औषधि चाहिए, शीघ्र कीजिए वैद्यराज,
संजीवनी कौन सी है? लक्ष्मण को चैतन्य पा, यूं रघुवर को हर्ष, प्रभ जीवन ले आ गया जैसे नूतन वर्ष। देवो बाणों को चलाए 20 बुझाओं के लिए
ऐसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।